नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको इस वीडियो में ARBC रक्त लिक्विड के बारे में बताने वाले हैं, जो कि विटोक्यूनॉल कंपनी का आता है और इसकी जो कॉस्ट है वो है 172 रुपये। 172 रुपये में आपको 500 ml का पैक मिलता है। तो इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों, इसके जो बेनिफिट्स है वो है RBC फॉर्मेशन, यानी कि RBC को बनाने में और हीमोग्लोबिन रिस्टोर करने में, यानी कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से एनीमिया में किया जाता है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशुओं के शरीर में RBC और हीमोग्लोबिन की मात्रा काफ़ी कम देखने को मिलती है। एनीमिया अक्सर न्यूट्रिशनल डिफिशियंस की वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंस की वजह से होने वाले एनीमिया में, अगर आपके पशुओं को जो आप रोज़ाना उनका खुराक देते हैं उस खुराक में उनको अच्छी तरह से विटामिन B12 और आयरन नहीं मिला, तो उनके शरीर में RBC और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एनीमिया में आपके पशु बहुत ही कमज़ोर फील करते हैं, अच्छी तरह से खड़े नहीं हो पाते, थोड़ा सा चलने पर भी उनकी सांसें फूल जाती है, यानी कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो काफ़ी कम रहती है। खून कम होने पर तो पशुओं को सांस लेने में भी बहुत ही दिक्कतें आ सकती है। तो उस कंडीशंस में RBC रक्त का लिक्विड खून बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पैरासाइटिक और हीमोप्रोटोजोअल इन्फेक्शंस यानी कि थाइलेरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। थाइलेरिया में पशुओं के शरीर में RBC की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए उनके शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कम हो जाता है और पशु बीमार पड़ने लगता है। तो उस कंडीशंस में आपका पशु खाना पीना कम कर देता है, बहुत ही सुस्त रह जाता है, चलने में डगमगाता है और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, उसे हम बोवाइन एनीमिया भी कहते हैं। तो थाइलेरिया में भी ये लिक्विड आप पशुओं को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पशुओं के पेशाब में अगर खून आ रहा है तो फॉस्फरस के साथ साथ ARBC रक्त लिक्विड आप पशुओं को दे सकते हैं। दोस्तों, जो आपके प्रेग्नेंट एनिमल्स है, गाय भैंस, उनको भी ये लिक्विड आप प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हो। उनके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और उनके बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। भेड़ बकरियों में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, उनके हेल्थ के लिए भी यह लिक्विड बहुत ही अच्छा रहेगा। जो बड़े बड़े बुल्स होते हैं उनको भी ये लिक्विड आप दे सकते हो। उनके भी शरीर में स्टैमिना की कमी, स्टैमिना अच्छी तरह से बरकरार रहेगा और शुक्र जनता की भी कमी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ARBC रक्त लिक्विड जो है वो बहुत ही अच्छा लिक्विड है, खून बढ़ाने के लिए और RBC की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा लिक्विड है। तो उसको देना कैसा है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो बड़े पशु है यानी कि गाय भैंस, उनको आप रोज़ाना 40 से 50 ml तक दे सकते हो। बछड़े भेड़ बकरियों के लिए रोज़ाना 10 से 15 ml तक दे सकते हो। तो ये थी दोस्तों ARBC रक्त लिक्विड के बारे में पूरी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।